अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले ही थ्योरी कर चुके हैं और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, वो सब कुछ एक एक क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। अब इसकी एक्सरसाइज की बारी है, आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हर क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जो थ्योरी है उससे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इसकी बेस क्या है। उसके लिए आपको जो लिंक ऊपर शो हो रहा है उसमें लेक्चर जाके देख सकते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्ले लिस्ट में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जाके देख सकते हैं। वीडियो के एंड पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हर बुक में डिफरेंट तरह के चैप्टर दिए गए हैं, किसी में वो चैप्टर 10th होगा, किसी में 9th होगा। गिटमैन की बुक में यूज कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट 2 में जस्ट थ्योरी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे। आपको भी शो हो रहा होगा बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करनी है। डेविड अबॉट इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ बॉन्ड इशूड बाय सोनी। ही हैज़ ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द सिक्योरिटी। उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है सोनी बॉन्ड की, जिसकी पार वैल्यू 1000 है, कॉस्ट 930 है, कूपन इंटरेस्ट रेट 6% है, ईयर्स टू मेचोरिटी 10 है, एंड टैक्स ब्रैकेट है 20%। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैलकुलेट द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ द सोनी बॉन्ड एंड कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द सोनी बॉन्ड डेविड्स टैक्स ब्रैकेट। अभी उसने बता दिया, उसने कहा है कि आपको आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स जो है वो काउंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? उसका कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि बिफोर टैक्स का फॉर्मूला को आफ्टर टैक्स का मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि पहले वीडियो देख ले, उसमें कॉस्ट ऑफ डेट को भी एक्सप्लेन किया हुआ, वो क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो भी बताया। इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन डिटेल वीडियो में आप पहले ही वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चलें गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। एक होता है बिफोर टैक्स और एक होता है आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब ये है उसकी कैलकुलेशन कैसे है, क्या थ्योरी है, इसमें नहीं पढ़ेंगे। बिफोर टैक्स, अभी आपने जो है वो टैक्स नहीं दिया, और आफ्टर टैक्स, अभी जो आप टैक्स दे चुके हैं उसके बाद आप उसको उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, अभी दूसरी बात ये है, उसने कहा बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करना है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाता है द बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल। अगर तो आपके पास ऐसा कोई बॉन्ड और ऐसी कोई चीज़ है जो कि रिडीमेबल है, तो उसका फॉर्मूला अलग है, इररिडीमेबल का अलग है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं या जो भी डिस्कस करेंगे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने नहीं पूछा इररिडीमेबल का, रिडीमेबल पूछे हैं, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अभी उसने अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बिफोर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम फाइंड आउट क्या करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं के डी कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास है इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये है टैक्स के लिए, ये मैंने आपको टैक्स के लिए बता दिया है। अगर वो कहे कि अगर ये बिफोर टैक्स करना है तो आपने ये नहीं लिखना, अगर वो कहे आफ्टर टैक्स तो फिर आपने ये टैक्स को कैलकुलेट करना। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिफोर टैक्स, तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी समझ आ जाएगी आपको। इंटरेस्ट है यहाँ पे, हम फिर लगाएंगे प्लस का निशान, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगी आरवी। आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू प्लस एनपी है नेट प्रोसीड्स। क्या होती हैं इसकी बेस में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कहा है इसके नीचे आ जाएगा एन, होल का आप लगाएंगे, उसके बाद आर वी प्लस एन पी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे माइनस आएगा सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है जो कि मैंने लगाया है बिफोर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स के लिए मैंने आपको बताया 1 माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे, तो उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। चले, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमने क्वेश्चन करना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया के डी। अभी देखें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कूपन इंटरेस्ट है 6%, तो पार वैल्यू पे 6% निकालें तो कितना आ जाएगा,
60 सिंपल प्लस आएगा, उसके बाद आरवी अंदर रिडीमेबल वैल्यू जो उसकी पार वैल्यू होती है उसको हम ले लेते हैं, वो है 1000 माइनस करना है किसको, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। देखिए पार वैल्यू तो उसकी 1000 थी, अब मार्केट में वो कितने पे बिक रहा है उस वैल्यू को हम लेते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा पे बिक रहा हो सकता है वो कम पे बिक रहा हो, तो इसमें से कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई और इस तरह की चीज़ें डिस्काउंट्स वगैरह हो गया वो माइनस कर देते। तो अभी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है तो अब डायरेक्ट जितनी भी आ रही है उसने खुद ही बता दी है कॉस्ट, वो है 930, तो उसको ले लेंगे हम 930 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स को कहते हैं वो है 10, डिवाइड कर देंगे इसको npn, हमारे पास आ जाएगी 1000 प्लस np 930 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लें kt इज इक्वल। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखें 60, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता देता हूँ, प्लस इसको सॉल्व करें 1000 में से 930 गया हमारे पास तो कितने रह गए 70 को हमने डिवाइड कर देना है 70 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास ऑब्वियसली जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ गया, और डिवाइड कर दें इसको, ये अगर देख लें 1000 and 930 डिवाइडेड बाय 2, 1930 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 965। अभी थोड़ा सा और इसको मजीद करें तो ये 67 डिवाइडेड बाय 965, तो 67 डिवाइड बाय 965 किया तो मेरे पास आ गया 0.694। अभी ये इसको परसेंटेज में लेकर आने के लिए मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.94%। ये आपकी क्या निकल के आ गई है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, ये क्या आ गई है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। अगर आपको निकालनी है आफ्टर टैक्स तो आफ्टर टैक्स को मैंने आपको बता दिया 1-t। अभी देखें उसके अंदर फॉर्मूले में क्या ऐड करते होते हैं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ इसी फॉर्मूले में, तो यहाँ पे 1-t आता है और ये प्लस, इतना सा हम एडिशन करते होते हैं फॉर्मूले के अंदर आफ्टर टैक्स के लिए, ठीक है। तो अभी ये इसको मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हमने निकाल लिया, अब हम दोबारा से सारे प्रोसेस को नहीं, ये तो इतना ही आएगी वैल्यू 6.94 ही। अब हमने सिंपल क्या करना है कि ये जो आंसर है अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर टैक्स, अभी हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं आफ्टर टैक्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ लिखेंगे kt इज इक्वल rd लिख लें, ठीक है, जो रिटर्न आपके पास मिली है मल्टीप्लाई बाय 1-t, मतलब कि ये जो आंसर आपने निकाला है इसको 1-t से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी, सिंपल इज दैट, ठीक है। आपने RD का मतलब ये इसको मैंने लिखा है, आप इसी को बेशक लिख लें, ठीक है, जो भी लिख लें, मैंने RD नाम दे दिया, रिटर्न दे दिया, कॉस्ट का नाम दे दिया, कॉस्ट ऑफ डेट लिख दिया, मल्टीप्लाई 1-t कर देना है तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, सिंपल इसको करके देख लें अभी kt इज इक्वल 6.94, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 1-t से, टी क्या है, टी इज टैक्स ब्रैकेट 1-t, टी इज टैक्स, टैक्स इज 20%, तो ये कितना आ जाएगा 0.20, तो 1-0.20 ये आ जाएगा 0.80, 1-0.20 और मल्टीप्लाई इसको कितना है 6.94 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ kd हमारे पास आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी 5.552, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। हमने बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों तरह से फाइंड आउट कर लिया है इस फॉर्मूले के अंदर लगा के, जिसमें किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन है जो समझ नहीं आ रहा तो ये बिल्कुल आसान है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने बिफोर टैक्स पहले फार्मूला लिखा और उसके बाद आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली, चीज़ें उसने खुद ही निकाल के दे दी थी और हमने जैसे उसमें पुट किया और हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी सम टाइम इस तरह से होता है कि रिडीमेबल के लिए फार्मूला अलग होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल फ़र्क क्या है, ठीक है, एक में आपको ये जो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे जिसको कहते हैं कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड आपको बता दिया जाता है और एक में आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड
नहीं बता दिया जाता, ठीक है। जो होता है इररिडीमेबल, उसमें आपको टाइम का नहीं पता होता, और जो रिडीमेबल होते हैं उसमें आपको टैक्स ये टाइम पता होता है। रिडीमेबल के लिए और फॉर्मूला है, इररिडीमेबल के लिए और है। पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन अभी हमने रिडीमेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता थे, ठीक है। आपने ये इस चीज़ को नोट रखना है क्वेश्चन में कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता है नहीं पता है, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इसको जल्दी से नोट कर लें। कहीं कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है, बताएं कॉमेंट्स के अंदर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।